हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बिल्कुल नए तरीके की रेसिपी बनाना बताते हैं। और प्लीज़ अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी, तो हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड का नाश्ता बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड का नाश्ता बनाने के लिए ये मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड हमारी बिल्कुल ताज़ा है। और ये मैंने 500 ग्राम बेसन लिया है। पेस्ट बनाने के लिए बड़ा वाला बाउल लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसन को इस बाउल में डालना है। और ये मैंने लिया है बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, तो प्याज भी डालेंगे। और ये मैंने हरा धनिया लिया है, आपके पास में जो भी सब्जियां हैं आप वो डाल सकते हैं। और ये मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, तो मैंने सभी को इसमें डाल दिया है। दो चुटकी भर अजवाइन डालते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं, जीरा डालेंगे आधा चम्मच, गरम मसाला डालते हैं और आधा से एक कम चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और ये मैंने मोटी दरदरी जो लाल मिर्च होती वो वाली ली है, तीखी वाली है ये, आपके स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं इनको। और अब इसमें हमें नमक डालना है, तो नमक भी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ना डाल सकते हैं, जितना खाना पसंद करते हैं। तो अब हमें इसमें पानी डालना है, तो ये मैंने आधा गिलास इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास में जो सब्जियां हैं आप वो डाल सकते हैं, अगर आपके पास में ये भी सब्जियां कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ बेसन ही डाल सकते हैं। बेसन में नमक मिर्ची मिला के भी नाश्ता बना सकते हैं। इसमें और हम पानी डालेंगे और ये नाश्ता आप झटपट कभी भी बना के बच्चों को दे सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। चाय के साथ में भी खा सकते हैं इस नाश्ते को, और बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है ये। तो बैटर को हमें थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे अभी। तो इसमें हम पानी और डालेंगे, तो इसमें हम पानी और डालते हैं। और आप एक साथ में पूरा पानी डाल देंगे तो जो आपका बैटर है वो पतला भी हो सकता है। तो हमें अगर बैटर आपका थोड़ा सा भी पतला हो जाएगा तो आपका जो नाश्ता बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा, तो आपको बाद में फिर डालना पड़ेगा बेसन पतला हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं बैटर हमारा तैयार है, तो हमें बैटर इस टाइप का चाहिए। तो बैटर तैयार है, अब हमें तवा लेना है। तो ये मैंने तवा लिया है, गैस ऑन करेंगे। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम हमें कम करना है। तो इस पर हमें हल्का सा ऑयल को डालना है और इसको हमें दाल फ्राइड में हिलाना है। और अब हमें ब्रेड को कैसे इसमें सेट करना है, तो जो मैंने ब्रेड ली थी तो ब्रेड को हमें इस तरीके से रखेंगे दोनों साइडों से इस तरीके से। और अब इसको हमें इस पे तवे पे डालना है, तवे पे सेकना है अभी से। तो हम सभी को इस तरीके से तैयार कर लेंगे और इसको बेसन में अच्छे से मिक्स करके ही हमें डालना है। और बेसन का जो हमारा घोल है वो बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए, अगर थोड़ा भी पतला होगा तो इसमें जो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। एक बार में आपकी जितनी ब्रेड इसमें सीख सके उतनी आप सेक सकते हैं। तो हमें चार ब्रेड मैंने डाल दिए, तो चार हम सेक लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें थोड़ा सा कम रखना है इस टाइम में। एक साइड से सेकते टाइम में हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगी और सेकने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल कम रखे ही सेकना है। अब इसको हमें पलट के देखना है, ये हल्का हल्का सिक चुका है, तो इसको पलट देते हैं। तो देख सकते हैं ज़्यादा नहीं सिका है, हल्का ही सिका है, तो हल्का ही इसको पलट के और इसको दबा के सेकना है। अगर हम कच्चे को दबाएंगे तो जो हमारा बैटर है वो चिपकने लग जाएगा, तो इस तरीके से हमें इसको दबा के भी सेकना है इस तरीके से। इसको हमें सभी को इस तरीके से दबाएंगे।
और ये इतनी जल्दी बनने वाला नाश्ता है, बिल्कुल कम तेल में बनने वाला नाश्ता है। और ये नाश्ता सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। अब इसको हमें दबा के और फिर से सेकना है। जो ब्रेड भी दबने से अच्छे से सिक सकेगी, इस तरीके से हम दबा के सेकेंगे। तो और एक बार इसको फिर से पलट के फिर से दबा के सेकना है। तो मैंने पलट दिया है, तो फिर से इसको दबाना है। तो ये हमारा सिक भी चुका है, देख सकते हैं इसका कलर भी ब्राउन हो चुका है, देख सकते हैं सिक चुका है नाश्ता। इनका कलर कितना अच्छा हो चुका है, देख सकते हैं सिक चुका है। अब इसको हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। जो दूसरा वाला है वो भी हमें डालना है, और ये मैंने दूसरा वाला भी डाल दिया। तो दूसरा वाला भी हम सेम इसी तरीके से सेक लेंगे। ये दूसरा वाला भी देख सकते हैं अच्छे से सिक चुका है, इनको भी दबा लेते हैं। और ये देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हुआ है, इसको भी निकाल लेंगे और सभी को इस तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा बन चुका है। तो अब इसको हमें गैस को बंद करना है और इसको निकाल के सर्व कर लेते हैं। तो ये मैंने प्लेट ली है और ये मैंने सॉस लिया है, आप किसी भी चटनी के साथ में इनको सर्व कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सिका है, दोनों साइडों से बिल्कुल क्रिस्पी सिका है, बहुत ही अच्छा सिका है। इस तरीके से सेकेंगे तो बहुत ही अच्छा सिकेगा। और दोनों साइडों में हमें दबा के सेकना है। और ये कितना कम टाइम में बनने वाला नाश्ता है, और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा खाने में ये नाश्ता, और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये नाश्ता। तो पूरा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो हमारी सिंपल तरीके से ब्रेड का नाश्ता बनाने की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।